मिलती है। और इस सफलता का श्रेय अगर हम कहना चाहेंगे, सफलता का श्रेय बच्चों की कड़ी मेहनत है, गार्जियन का अपना एक लगाव है, टीचर्स का योगदान है, और सबसे बड़ी चीज जो एलिट का अपना मैकेनिज्म है, डीबीपी है, टी सीरीज है, इसकी भी बहुत बड़ी उपयोगिता जाती है। हम ऐसे सभी बच्चों को बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने अभी जेई मेन 2018 में क्वालिफाई किया है और अभी उनका जेई एडवांस का एग्जामिनेशन होने वाला है। ये मात्र एक पड़ाव है, इसके बाद अभी दूसरा एक स्टेप उनके सामने खुला हुआ है। 283 बच्चों में से 165 बच्चे जेई एडवांस का एग्जामिनेशन देंगे और कामना है कि उनकी मेहनत इसी तरह से बरकरार रहेगी, उनका अच्छा रिजल्ट होगा। इस बार जो रिजल्ट अच्छे बच्चों के आए हैं उसमें से कुछ खास बच्चे हैं जिनका पारिवारिक जो अपना बैकग्राउंड है वो बहुत मजबूत नहीं था, मध्यम वर्गीय परिवार के थे, इसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट किए हैं। इसमें से कुछ खास नाम है वैष्णवी सिंह के, राजेश वर्मा के, अश्विनी मिश्रा के, सफदर इमाम के, अनिमेश आनंद, श्रुति प्रिया, पिंटू और शोभित के। हम कहना चाहेंगे कि इस बार इतने सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया एलिट में, उसमें 58 बच्चे जो थे वो जनरल कैटेगरी से आए हैं, ओबीसी से 74 बच्चे थे और एससी एसटी से 33 छात्र सफल हुए हैं एलिट इंस्टीट्यूट से। तो ये कहने का मतलब यह है कि हमें अगर अपने आप को तैयार करना है, अगर हमें अपने आप को मजबूती के साथ एग्जामिनेशन में रखना है, तो हमें सबसे बड़ा यह काम करना होगा कि अपने आप को हर एक दिन तैयार करना होगा उस एग्जामिनेशन के लिए जो कि हमारा अपना लक्ष्य है, जो कि हमारा अपना ध्येय है। उन सभी बच्चे को और उन सारे परिवारों को भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं, जहाँ के ऐसे नौनिहालों ने अपने शौक को और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में से अपने आप को लगन के साथ और मजबूती के साथ जोड़े रखा और एलीट का भी नाम रोशन किया। इन सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई।